भैया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो थंबनेल देख के अगर आए हो तो बिल्कुल सही जगह पे आए हो। और मैंने बनाए हैं गैलेक्सी नेल्स। और अगर आपने थंबनेल में ध्यान से देखा होगा तो शायद कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे कि इसे बनाना काफी ज्यादा हार्ड है। तो मैं आपको एक चीज की गारंटी देती हूँ कि इसे बनाना बिल्कुल भी हार्ड नहीं है और मैंने एक बहुत ही इजी वे निकाला है इसे बनाने का। तो अगर आपको इसे देखना है और जानना है कि मैंने इसे कैसे बनाया है तो वीडियो को एंड तक देखना बिना स्किप किए। और अब आप लोगों का ज्यादा टाइम ना लेते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मैं सबसे पहले स्टार्ट करूंगी अपने बेस कोट से और ये मैं अपने सारे नेल्स पे लगाती हूँ। तो बेस कोट के ड्राई हो जाने के बाद आपको क्या करना है, आपको लेनी है ब्लैक नेल पॉलिश। और ये जो ब्लैक कलर है आपको इसको अपने सारी फिंगर्स पे लगाना है और अच्छे से आपको इसे ड्राई कर लेना है। उसके बाद ही आपको नेक्स्ट स्टेप पे जाना है। और अब आपको क्या करना है, एक स्पंज लेना है और उसके बाद आपको आपका जो ट्वीजर हो उसकी हेल्प से इसको कुछ इस तरीके से निकाल लेना है। ऐसे आपको छोटे छोटे ही कुछ पीसेस निकालने हैं, 5 और 6 कुछ ऐसे ही लगेंगे। तो आपको इसको इस तरीके से खींच के निकाल लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको लेनी है व्हाइट नेल पॉलिश। इसके आप 2-3 ड्रॉप्स ले सकते हो। और उसके बाद आपको लेना है आपका स्पंज जो कि आपको ट्वीजर की हेल्प से उसको यूज करना है। अब इसको ले लेने के बाद आपको क्या करना है, इसको आपके नेल पे कुछ इस तरीके से आपको टैप टैप करके अप्लाई करना है। यहाँ पे मैं जो है अपनी पूरी जो अपना पूरा जो नेल है उसको कवर नहीं कर रही हूँ, तो आपको इस तरीके से करना है। और बाकी के नेल्स पे भी आपको कुछ इसी तरीके से आपका नेल आर्ट कंप्लीट करना है। अभी यहाँ पे मैंने मेरे बाकी के नेल्स भी कुछ इस तरीके से कंप्लीट कर लिए थे, आप देख सकते हो। अब आप देखो यहाँ पे मैंने मिडिल फिंगर पे क्या किया है, 2 साइड बनाया है, पहले उस तरफ फिर इस तरफ, और सेम उसी तरीके से मैंने इंडेक्स फिंगर पे भी इसे बना लिया है। और फिर उसके बाद मैंने स्मॉल फिंगर जो है उस पे ऊपर से लेके नीचे साइड पे गई और फिर साइड से नीचे की तरफ थंब पे भी सेम वही प्रोसेस किया। अब आपको स्पंज चेंज करना है और आपको दूसरा जो स्पंज था उसको ले लेना है। इस बार ये आपको लेना है डार्क ब्लू कलर। और ये वाला जो कलर होगा इसको आपको क्या करना है, इस तरीके से पहले ट्वीजर की हेल्प से इसको डिप करना है और उसके बाद आपको इसको लगाना है आपके सारे फिंगर्स पे। यहाँ पे आपको आपके पूरे नेल को कवर नहीं करना है क्योंकि उससे व्हाइट कलर छुप जाएगा और वो लुक बहुत बेकार देगा। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे डार्क पिंक नेल पॉलिश है, ये डार्क पिंक नेल पॉलिश की मैंने 2 ड्रॉप्स ली थी और इसी तरीके से मैंने पर्पल कलर लिया था और उसकी भी 2 ड्रॉप्स ले ली थी यहाँ पे। तो इन दोनों को आपको इक्वल क्वांटिटी में ही लेना है क्योंकि फिर उससे ही आप जो कलर चाहते हो वो एग्जैक्ट कलर आपको वहाँ पे मिलेगा। अब यहाँ पे मैंने क्या किया है, इन दोनों कलर्स को मिक्स कर लिया है अच्छी तरीके से। यहाँ पे मैंने यूज किया है ट्वीजर को, आप अगर टूथपिक यूज करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। अब उसके बाद आपको ये जो कलर हमने बनाया है इसको भी आपको यूज कर लेना है, आपके सारे नेल्स पे से यूज करना है आपको। तो देखो अभी आपको क्या करना है, आपको लेना है पर्पल कलर और ये वही पर्पल कलर है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले यूज किया था। यही शेड जो है सेम आपको इसको यूज कर लेना है। और वो हो जाने के बाद आपको क्या करना है, लेना है व्हाइट कलर। ये जो होगा ना ये मिक्स होगा बाकी कलर्स के साथ और बहुत अच्छा लुक देगा। और जब भी आपका नेल आर्ट अच्छे से ड्राई ना हुआ उस टाइम पे आप ग्लिटर्स का यूज कर सकते हो, सिल्वर या फिर व्हाइट का। अब ये स्टेप पे आते आते आपको लेना है आपका स्मॉल डॉटिंग टूल और कुछ इस तरीके से आपको डॉट्स रख लेने हैं आपके नेल्स के ऊपर। यहाँ पे अगर आपने जो गैलेक्सी बना रहे हो आप उसके ऊपर भी रखोगे अगर डॉट तो वो अच्छा ही लगेगा। और एक चीज, अगर आपके पास डॉटिंग टूल नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, एक टूथपिक का यूज कर सकते हो, वो भी बहुत ज्यादा हेल्प करता है इस चीज में। और उसके बाद मैंने ये मेरा जो टूल था इसे भी यूज कर लिया था, इसे स्मॉल डॉट्स रखे थे मैंने। तो अब मेरा सारा नेल आर्ट अच्छे से हो गया है ड्राई और मैं उसके बाद लगा लूंगी टॉप कोट अपने सारे नेल्स पे। अब आपको क्या करना है, आपके नेल पे जो भी एक्सेस निकल गया हो नेल पॉलिश का या फिर आपका एक क्यूटिकल्स पे रहा हो तो आप एयर स्वैप की हेल्प से रिमूवर में लेके इसको और उसके बाद उसे क्लीन कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। तो ड्राई होने के बाद अब ये हो गया है हमारा नेल आर्ट रेडी। आप देख सकते हो ये कितना अच्छा बना है, यहाँ पे मैंने कोई मेहनत वाला काम नहीं किया है, बहुत ही इजी तरीके से मैंने इसे बनाया है। और ये गैलेक्सी नेल आर्ट कितना ज्यादा अच्छा लग रहा है। और अगर आप अभी अभी ट्राई कर रहे हो तो आपको ये वाले नेल आर्ट को भी ट्राई करना चाहिए, काफी अच्छा लुक देता है और काफी ज्यादा ईजी भी है।
सो आई होप यू गाइज एंजॉयड द वीडियो, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल रही हो, तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना सो दैट आपको हमारे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अगर आप चाहते हो कुछ भी पूछना मेरे से रिलेटेड नेल आर्ट के, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज करके पूछ सकते हो, और जो आईडी की लिंक है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से मैसेज कर लेना और इसे शेयर करना अपने फ्रेंड्स फैमिली और उन लोगों के साथ जिन्हें नेल आर्ट में इंटरेस्ट है। और मैं मिलूंगी आपको फिर किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, और तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।